हिंदुत्व पे भी बहुत लड़ाई छिड़ी रहती है फडणवीस जी। उद्धव जी कहते हैं कि कैसा हिंदुत्व है आपका अगर आप टीडीपी से हाथ मिलाते हैं, नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ सही बात है, आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए अबू आजमी उनके साथ में है, आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए हमारे सपा के नेता सारे उनके साथ में, तो मेरे से तो सीखने की जरूरत ही नहीं है उनको हिंदुत्व। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए सवाल हिंदुत्व का उनका बड़ा मेरा बड़ा ये सवाल नहीं है, सवाल इतना ही है हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है जी। देखिए इस देश में अगर मुसलमान रहते तो उनको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, प्रॉस्पर होने का अधिकार है, सवाल अपीजमेंट का है। जैसे ही आप उनके साथ चले जाते हो तो अपीजमेंट के लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे को जनाब बाळासाहेब ठाकरे लिखना चालू कर देते हो, वहां पर हमारा आपके साथ विवाद शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए हिंदुत्व किसका अच्छा है, सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दूंगा, तो जनता तय करेगी, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हिंदुत्व बाळासाहेब ठाकरे जी का मैंने देखा, जो हिंदुत्व शिवसेना का मैंने देखा, उद्धव जी ने उसको एक प्रकार से खत्म कर दिया है। अब वो हिंदुत्ववादी पार्टी मुझे नहीं दिखाई पड़ता, अब वो भाषणों में, केवल भाषणों में, और मैं तो उनके भाषणों के कौन से शब्द है उसकी लिस्ट भी आपको दे सकता हूं, उसके बाहर अगर उनका भाषण आ जाए तो आप मेरे से पूछ लेना। आप अलायंस महाविकास अघाड़ी पे बहुत चढ़ाई करते हैं आप लोग, आपकी पूरी महायुति के लीडर्स, ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास है नहीं, किसको आगे कर रहे हैं, कौन है आपका मुख्यमंत्री, पर एक्चुअली वो स्टोरी तो आपके साथ भी रिपीट हो रही है मिस्टर फडणवीस, आपके महायुति में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, बीजेपी क्लियर कुछ कहती नहीं है, कोई क्लैरिटी है नहीं कि सीएम कौन बनेगा, वहां शिंदे जी परेशान चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर पिछले बार से कम सीटें आई तो बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, उन्हें मौका नहीं लगेगा, क्या फॉर्मूला क्या है सीएम पद का अभी? सीएम पद का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद हमारी तीन पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजीत पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारी पार्टी में फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तीनों मिलकर तय करेंगे, वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सवाल ये है कि गवर्नमेंट के रूप में हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के मुखिया एकनाथ शिंदे जी है, हमारा चेहरा आज एकनाथ शिंदे जी है, हम दोनों उनके साथ में उपमुख्यमंत्री है, हम तीनों का चेहरा लेकर हम लोग साथ में जा रहे हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री होते हैं वही नेता होते हैं, हमारे नेता हमारे एकनाथ शिंदे जी है। और अंतर क्या है मैं बता देता हूं, हमारे यहां तीनों पार्टियों ने मिलकर यह तय किया कि भाई चुनाव के बाद हम लोग इसका फैसला करेंगे, वहां पर ऐसा फैसला नहीं हुआ, वहां तो लोग कहते बंद कमरे के बीच बता दीजिए, बाहर बता दीजिए, सभा में बता दीजिए, पर बताइए तो सही, वही आपस में कह रहे हैं, हमारे ये कोई दुविधा ही नहीं है, हमने तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जाए। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सच है कि एकनाथ शिंदे जी ने इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन दिल्ली रोटेशनल सीएम की बात कही है, उन्होंने ये मांगा है कि ढाई ढाई साल दे दिया जाए उनको और बीजेपी को? अगर आप लोगों का बस चले तो आप म्यूजिकल चेयर लगा दे रोटेशनल सीएम के लिए कि जो पहले चेयर पे बैठ गया वो सीएम, ऐसा नहीं होता है और ऐसी कोई मांग उन्होंने नहीं की, कभी भी उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ा, कभी भी उन्होंने कौन सीएम होगा, मेरा क्या होगा, मैं होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं निकाली। नहीं, वो बार बार ये कहते हैं मिस्टर फडणवीस कि उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है। अरे देखिए स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है, अगर हम लोग इतिहास देखिए तो इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जितना स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में किसी का नहीं रहा। हाँ ये चुनाव जो लोकसभा का है इसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब हुआ है, अब कई बार बैटिंग के लिए सहवाग जाता है तो सेंचुरी बनाता है, कई बार स्ट्राइक रेट खराब भी होता है, रोहित शर्मा कई बार ऐसे छक्के मारता है कि बॉलर के तो बखिया उधड़ देता है, कई बार उसका स्ट्राइक रेट खराब होता है, अब हम ऐसे रोहित शर्मा है कि एक इसमें हमारा थोड़ा खराब हो गया, इसका मतलब हमारा बैटिंग फॉर्म गया नहीं है, बैटिंग फॉर्म वैसे ही हमारा। तो क्या जिसके कितने विधायक है उस पर यह डिसाइड होगा कि स्ट्राइक रेट पे डिसाइड होगा कि अखला मुख्यमंत्री अगर आप पावर में आ रहे हैं तो? देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हम तय करेंगे तो आपको तुरंत बता देंगे, जब तय ही नहीं हुआ है तो आपको क्या बताएं हम,
फॉर्मूला ये तय हो गया, तीनों मिलकर बैठेंगे, फाइनल करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि फाइनल अगर हो जाएगा तो सबसे पहले आपके यहां आकर बता दूंगा। चलिए फडणवीस जी, इस बार लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का, परहैप्स इन द लास्ट 10 ईयर्स द वर्स्ट परफॉर्मेंस दैट इट वॉज, आंकलन तो जरूर किया होगा आप लोगों ने कि कहां क्या गलती हो गई आप लोगों से। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, हाँ 9 सीटें हम जरूर जीते, हमारी करीब करीब 8 सीटें ऐसी है कि जो हम लोग कोई 5,000 वोट से, कोई 4,000 वोट से, कोई 7,000 वोट से, कोई 8,000 वोट से हम लोग हारे, और करीब अगर आप हिसाब लगाए तो हमारी 14-15 सीटें ऐसी कि जो हम लोग ऐसी मार्जिन में हारे कि जो मार्जिन लोकसभा में मायने नहीं रखती। इसलिए मैंने कहा कि हम तीन पार्टियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम फेक नरेटिव, ये चौथी पार्टी थी, उस पार्टी ने हमको हराया, तीन पार्टियों में ताकत नहीं थी हमको हराने की, ये जो चौथी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी फेक नरेटिव, इसके सामने हम लोग हारे। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई बीजेपी को, और आप वोट शेयर भी देख लीजिए, हमने करीब करीब हमारा वोट शेयर रिटेन किया है, कहीं पर भी हम पीछे नहीं गए। हमारे विरोधियों का वोट शेयर बढ़ा है क्योंकि एक पोलराइजेशन हुआ है, उस पोलराइजेशन में उनको हमसे बड़ी लकीर खींचने का अवसर मिला है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ गलती करी थी पिछली बार? देखिए, हो सकता है, आखिर कई बार ये होता है कि जब आकलन करके देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भाई अरे इनको हेवी एंटी इनकम्बेंसी थी, अपन हमने इनको बदलना चाहिए था, तो कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं, कुछ उसमें गलतियां हो सकती है। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग एक टीम के रूप में बैठते हैं और एक उसके ऊपर सब लोग मिलकर सिर खपाते हैं, और उसमें से सबको मिलकर लगता है कि नहीं इनको देना चाहिए तो दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं देते दूसरे को देते तो फायदा होता। ऐसा लगता है कि अगर आप मुख्यमंत्री होते इस लोकसभा के दौरान तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री होता तो कोई बहुत रिजल्ट बदल जाता, और शिंदे जी है तो रिजल्ट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि इस चुनाव में नरेटिव हम नहीं कंट्रोल कर पाए। मैं भी होता तो नहीं कंट्रोल कर पाता, क्योंकि अगर नरेटिव कंट्रोल कर पाता तो मुख्यमंत्री होने की आवश्यकता क्या है? मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे पार्टी के नेता के रूप में भी उसको कंट्रोल कर लेता, पर नहीं कर पाए क्योंकि उसका आकलन कम हुआ। देखिए, कभी कभी हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति कई बार गलत सोचता है, गलत आकलन करता है, कई बार हमारी सोच से परे चीजें होती है, तो वो चीज मैं इसलिए कहता हूं कि इस चुनाव में हमको एक अच्छी सीख मिली है, इसी सीख के कारण हमने ये माहौल बदला है। ABP News, आपको रखे आगे।